से थोड़ा डरना चाहिए, थोड़ा। कौन नौ लोग? मारीच कहते, सोच रहा है मारीच कौन? रावण का मामा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कवि मानस गुनी। शस्त्री जो हथियार लिए हो उससे विरोध ठीक नहीं है, न जाने कहां मार दे। मरम जानता हो उससे भी विरोध नहीं, न जाने का कह दे का उलझा दे। मरम जानने वालों से तो एकदम सावधान रहना चाहिए साहब। और ऐसा मरम कोई जीवन में रहे ही नहीं कि दूसरा आपको त्रास दे। एकदम निर्मल रहिए, निश्चल रहिए, श्वेत भाव रहिए, उज्जवल रहिए, शुभ्र रहिए। ऐसा उत्पात करे ही क्यों कि कोई मरम बने नहीं रहे। मरमी प्रभु अपने स्वामी से सठ, सठ कहते हैं उसको, एक बतिया सौ बार कहो तब वह करे जवन वो कर ही रहा है। सठ प्रभु ने किष्किंधा में सुग्रीव जी को बताते समय कहा है, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। सठ सेवक कंजूस राजा, कुनारी कितनों समझाओ वही गलती बार बार करने वाली स्त्री, और कपटी मित्र, ये चारों शूल। शूल कहते हैं कपड़े में जो खोंच लग जाती है और शरीर में धारण कर लीजिए तो वो पूरा तब तक गड़ेगा शूल जब तक उतार के न फेंक दो कपड़ा। ये चारों शूल हैं। पेट में जो बायोगोला का दर्द होता है उसको भी शूल कहते हैं। कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है। अरे कैसा दर्द होता है तो जिसको हो वही बता सकता है कैसा। आहिदा ही माई करता रहता है। ये शूल का जो दर्द है ये चारों शूल के दर्द हैं। सेवक सठ, कंजूस राजा, कुनारी और कपटी मित्र शूल समचारी। यहां क्या कहा? शस्त्री मर्मी प्रभु अपने स्वामी सठ, कितनों समझाओ वही गलती बार बार है। कहे भैया दूध में कल से पानी न मिलाए, कोई बात नहीं। देखा ये तो दूध आजो पतला है, भैया ये क्या किए? अथवा आपने दूध में पानी मना किया, मैंने पानी में दूध मिलाया है, लियो खपियो। भाई इतना दूध में पानी, पानी में दूध, बात तो एक ही है, लौकेगा सब उज्जर उज्जर। सठ सेवक ठीक नहीं है। धनी धनवान व्यक्ति से कहते हैं ना, बड़ों की अगाड़ी और घोड़ों की पिछाड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। बड़े आदमी के साथ उलझोगे जय जय सीताराम होगा, अपने पर आ ही गया तो फिर जय जय सीताराम।
बड़े की अगाड़ी घोड़े की पिछाड़ी दूरी बना के रखो। देखिए उदाहरण बड़ा प्यारा है, एकदम ताजा ताजा है। छोटा सा देश यूक्रेन अझुराया गया रसिया से, जैसी तैसी मचा रखा है। जहां होता वहीं डाल देता है बम, कितना नुकसान हुआ। अरे भाई देखिए, ये एक गांव की कहावत है अपने अवधी भोजपुरी की, आमदनी कम खर्चा अधिक, ये लक्षण बिक जाने को हैं। ताकत कम गुस्सा अधिक, ये लक्षण थुथुराने के हैं। कम शक्ति हो तो गुस्सा भी कम होना चाहिए, लेकिन जिसके शक्ति कम होती है वो क्रोध बहुत करता है साहब, नहीं करना चाहिए। धनी वैद्य, वैद्य से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कहे कि जो दवाई पेट ठीक करती है वही दवाई पलट जाए तो जुलाब बन जाती है। तो कहां तो आप ठीक होने गए थे, पता चला कि बाथरूम के बाहर बैठे हैं। अब आइए अंतिम चरण और अच्छा है। भानस गुनी रसोईया कैसो भोजन बनाई दे, मरीचा बढ़ाई दे, नून बढ़ाई दे, तेल बढ़ाई दे, कहिए बहुत स्वाद है। जहां आप खिड़खिड़ाए या उसने फिर बढ़ाया लाल मिर्चा, तो 60 साल के बाद वालों को तो विपत्ति होई गया समझ लो। भानस गुनी, भानस मने रसोई, गुनी मने गुनिया बनाने वाला, नाराज हो गया तो पता चला न जारे का डारे, जय जय सीताराम। ये मारीच ने सोचा, केवट जी क्या है, कह ये तुम्हार मरम मैं जाना। मरम क्या जानते हैं, बस एक बार राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।